नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। रीवा में आज पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फूड क्रॉप इंस्टीट्यूट के सौजन्य से एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में खास तौर से मध्य प्रदेश के संयुक्त संचालक अजय कुमार सिंह जी, कौशल एवं प्रशिक्षण, मौजूद हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से यहाँ के, खास तौर से बघेलखंड के उद्योग को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग क्या कुछ करने जा रहा है। आइए बातचीत करते हैं अजय कुमार सिंह से। हम मौजूद हैं इस समय रीवा के फूड क्रॉप इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर आज एक पर्यटन को बढ़ावा देने, यहाँ की खास तौर से मध्य प्रदेश के दिल कहे जाने वाले रीवा की सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो खान पान को व्यवस्थित तरीके से करने के तमाम तरीके के प्रयास यहाँ पर ये लोग करते हैं, जिससे यहाँ का नौजवान कुछ सीखकर अपना बेहतर तरीके से जीवन जी सके। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अजय कुमार सिंह जी। आप बोर्ड में संयुक्त सचिव हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। ये आपका रीवा का जो दौरा है, क्यों और किस लिए? सर, ये जो हमारा दौरा आज मध्य प्रदेश के रीवा स्थित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में हुआ है, मैं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में संयुक्त संचालक हूँ और वहाँ से हम यहाँ इसलिए कनेक्टेड रहते हैं कि हमें अपने संस्थान के बारे में रीवा और रीवा के पूरे बघेलखंड में जितने भी बच्चे हमारे जो पर्यटन के क्षेत्र में नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं या पर्यटन के क्षेत्र में अपने को जोड़ने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए ये संस्था यहाँ खुली है। और इस संस्था को चलाने के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि हमारे बघेलखंड का जो खाना है, जो बघेलखंड की संस्कृति है, हमारे बच्चे केवल अपने देश में ही नहीं, ये संस्थान से पढ़ने के बाद विदेशों में भी जाके अपने बघेलखंड का नाम रोशन करें। बघेलखंड का नाम रोशन करें, हम वो तमाम तरीके के काम करने जा रहे हैं जिससे बघेलखंड का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो। हालांकि यहाँ का सुपारी उद्योग और सफ़ेद शेर पूरी दुनिया में अपने आप में ही एक अमिट पहचान रखता है। हमारा एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है, जिस तरीके से यहाँ पर नौजवानों, खासतर कोरोना का काल इस समय चल रहा है, कोरोना काल में आप किस तरीके से बच्चों को प्रेरित करेंगे, किस तरीके से उनको मोटिवेट करेंगे कि वो आपके साथ जुड़ें? हमारा संस्थान इस क्षेत्र में बहुत अच्छा सिद्ध हस्त है कि जैसे कि इस कोर्स में हम लोग पूरी तरह से सोच के चलते हैं कि हाइजीन कंडीशन कैसे मेंटेन की जाए, साफ़ सुथरा कैसे रहा जाए, तो ये हमारी एक बेसिक क्वालिफिकेशन है जिसमें हम बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाते हैं। और जैसा कि अब ये कोविड का समय आया है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरे संस्थान में एक बहुत ही अच्छे तरीके से संस्थान के अंदर जब बच्चा प्रवेश करेगा तो जो कोविड का पूरा प्रोटोकॉल है कि बच्चे को सैनिटाइजेशन से हाथ धोने हैं और सैनिटाइजर के बाद में यहाँ बच्चे को मास्क लगाने हैं, ये संस्थान बाकायदा हर बच्चे को प्रोवाइड करेगा। और जो गैप मेंटेन करके क्लास चलेगी, तो हमारे हर क्लासरूम में कम से कम 2 मीटर की दूरी में बच्चा बैठा होगा और ऐसी ही हम प्रैक्टिकल भी उसी तरह से कराएंगे। आपने अभी कहा कि हमारे यहाँ कक्षाएं चलेंगी, अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस साल ऐसा क्या है, कौन कौन सी क्लासेस आप चालू कर रहे हैं या पहले से कौन सी क्लासेस चल रहे हैं, किस क्लासेस में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार बेहतर तरीके से मिल सकता है? मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस संस्थान में पहले 5 कोर्स चलते थे, जो एक कोर्स ऐसा था जो 12वीं क्लास के बाद में बच्चे ज्वाइन करते थे, जिसमें फूड प्रोडक्शन होता था, यानी कि किचन की ट्रेनिंग होती थी या सर्विस की ट्रेनिंग होती थी या हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग होती थी और फ्रंट ऑफिस की ट्रेनिंग होती थी। परंतु मुझे इस बात को कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे राज्य सरकार ने और पर्यटन मंत्रालय ने इस संस्थान, जितने भी हमारे संस्थान हैं, इन संस्थानों के लिए 2 नए कोर्स और इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें बच्चा 10वीं क्लास के बाद में यहाँ पढ़ सकता है। जो बच्चे जिनके परिवार में अगर आर्थिक समस्या है और 10वीं क्लास के बाद में कोर्स करके नौकरी करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक सुनहरा मौका सिद्ध होगा। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा में रीवा शहर के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही कोरोना काल में। हालांकि कोरोना काल में कोई भी अच्छी खबर निकल नहीं रही, 2 नए कोर्स
वो भी ऐसे कोर्स जिससे यहाँ का नौजवान उन कोर्सों को करके अपने पैरों में खड़ा हो सकता है। ये निश्चित रूप से रीवा शहर के लिए एक बेहतर खबर है। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि यहाँ के रीवा, खासकर रीवा शहर के नौजवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रीवा के सभी लोगों से, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे या कहीं और पढ़ने जाएंगे, परंतु रीवा संभाग के जितने भी बुंदेलखंड संभाग के लोग हैं, मेरा उनसे एक ही संदेश है कि हमारा पर्यटन का क्षेत्र ऐसा है जिसमें असीम संभावनाएं हैं, तो आप अपने बच्चों को पर्यटन के क्षेत्र से अगर जोड़ते हैं तो इसकी संभावनाएं केवल मध्य प्रदेश या केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं है या भारत के लिए नहीं है, आपका बच्चा यहाँ से पढ़ने के बाद में विदेश में भी जाके अपने संस्कृति को, बघेलखंड की जो संस्कृति है, बघेल का खाना है, जो बघेल का पूरा कहना चाहिए जो यहाँ का खाना वगैरह है, उसको दुनिया भर में मशहूर कर सकता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे लोग इतने सक्षम हैं, बस उनको एक थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, तो ये संस्थान ऐसा है कि वो मौका देने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। निश्चित रूप से जैसा अजय जी ने कहा, यहाँ के नौजवान को बस मौके की ज़रूरत है, मौका वो भुनाने में एक्सपर्ट है। जबलपुर से बनारस, या यूं कहा जाए खजुराहो से बनारस के बीचों बीच पड़ने वाला यह बघेलखंड असीम संभावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए, यहाँ का खान पान अपने आप में ही एक अलग पहचान रखता, बस मौका है उसको प्रमोट करने की, जो यहाँ का फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट इस बार दृढ़ निश्चय कर चुका है कि यहाँ के खान पान को वो प्रमोट करेगा, जिससे यहाँ का नौजवान बेहतर तरीके से अपना जीवन गुजार सके। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं एक बार फिर जावेद अंसारी, समीम सौदागर के साथ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।